गवर्मेंट डेफिसिट्स एंड डेट जी स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे गवर्मेंट बजट के हवाले से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर होता है जिस पर बहुत ज़्यादा पब्लिक अटेंशन होती है डिस्कस किया जाता है वो ये है कि वट इज़ साइज ऑफ द गमेंट बजट डेफिसिट तो आज हम देखेंगे कि गवर्मेंट बजट डेफिसिट के साइज़ का और जो नेशनल डेट है उसका आपस में क्या रिलेशनशिप है सो द डेफिसट हम जानते हैं इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू इन एनी फिजिकल ईयर वेर आर द डेट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऑन अ गिवन डेट सो दोनों का डिफरेंस आपने समझना है कि जो बजट डेफिसिट है ये एक तरह का फ्लो वेरिएबल है ओके okay? और जो डेट है ये इसकी नेचर क्या है कि ये एक स्टॉक वेरिएबल है ये एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पर हम मेजर करेंगे कि डेट कितना है जबकि जो फिजिकल डेफिसिट है इससे विद रेफरेंस टू टाइम के हर साल वो कितना है उस उस हवाले से उसको देखा जाता है सो द डेफिसिट इज द चेंज इन डेट इन आ ईयर जितना गवर्नमेंट का डेफिसिट होगा वो डेफिसिट फिर उतने डेट में इजाफे का सबब बनेगा सो डेल्टा बी की हम नोटेशन यूज़ कर रहे हैं चेंज इन नॉमिनल गवर्नमेंट बजट डेफिसिट है एंड दिस विल बी इक्वल टू द चेंज इन द नेशनल डेट और बी नॉमिनल वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स आउट यानी टोटल नेशनल डेट क्या है टोटल गवर्नमेंट बॉन्ड्स आउटस्टैंडिंग की वैल्यू उसको बी से डिनोट कर रहे हैं और उसमें जो चेंज आ रही है दिस विल बी इक्वल टू द बजट डेफिसिट और इसे हम डेल्टा बी से डिनोट कर रहे हैं सो so, ये जो गवर्नमेंट बजट डेफिसिट है ओबियसली ये इस ये जितना बजट डेफिसिट होगा उतना ही डेट में चेंज आएगी तो डेट जो इंटेटेडनेस है ये ऑबियसली डिपेंड करता है कि उस मुलक की इकोनॉमी का साइज कितना है जो बड़ी इकोनॉमीज़ होंगी जिनकी जीडीपी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा Uh, जो डेट है उसके प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रेट को पेमेंट अफोर्ड कर सकते हैं और जिनका साइज़ कम होगा वो ऑबियसली कम कर सकते हैं तो इस बात को कैटर करने के लिए फिर हम इसका रेलेटिव वैल्यू लेंगे रेलेटिव वैल्यू क्या यूज़ मेयर ऑफ गवर्नमेंट इन डेटेड नेट डेट अकाउंट्स फॉर द एबिलिटी टू पे ऑफ द डेट दैट इज़ द डेट जी डी पी रेशियो यानी डेट का साइज़ क्या है और जी डी पी का साइज़ क्या है ये रेलेटिव रेशियो जो है एक्चुअली ये ट्रू पिक्चर आपको देगी तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से गवर्नमेंट डेफिसिट्स जो हैं इनका नेशनल डेट के साथ क्या रिलेशनशिप है इसको हम समझते हैं मैथमेटिकल इक्वेशंस की मदद से सो क्यू इज़ द रेशो ऑफ बी ओवर पी वाई बी इज़ द टोटल आउटस्टैंडिंग डेट पी वाई द नॉमिनल जी डी पी सो ये जो डेट और नॉमिनल जी डी पी की रेशो है क्यू सो so, इसको अगर हम ग्रोथ रेट्स की फॉर्म में लिखें जब हमने ग्रोथ मॉडल्स पढ़े थे तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह किसी इक्वेशन को हम ग्रोथ रेट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास ये क्यू इस रेशो का ग्रोथ रेट है डेल्टा क्यू ओवर क्यू और राइट हैंड साइड पर आपके पास बी ओवर पी वाई था ना तो जो इन ग्रोथ रेट्स की फॉर्म में लिखेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू द ग्रोथ रेट ऑफ़ बी माइनस द ग्रोथ रेट ऑफ पी वाई सो दिस इज़ द ग्रोथ रेट ऑफ़ बी एंड दिस इज़ द ग्रोथ रेट ऑफ पी वाई बी आपके पास टोटल जो आउट स्टैंडिंग डेप है उसका ग्रोथ रेट और पी वाई आपके पास नामिनल जी डी पी है उसका ग्रोथ रेट सो so, एक हम स्टेप और एड करते हैं पूरी क्वेश्चन को हम क्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड पर इससे मल्टीप्लाई किया और इसी तरह से राइट हैंड साइड पर क्यू की बजाय हम क्यू की जो वैल्यू बी है और पी वाई उससे मल्टीप्लाई करें दोनों टर्म्स को सो so, ये इक्वेशन जो आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड पर क्या हो जाएगा दिस क्यू विल बी कैंसल बाई दिस क्यू तो डेल्टा क्यू डेल्टा क्यू क्या है ये डेट टू जी डी पी रेशो में चेंज है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू चेंज इन द डेट जी डी पी रेशो और राइट हैंड साइड पर दिस बी विल बी कैंसल बाई दिस बी सो डेल्टा बी ओवर पी वाई आपके पास रह जाएगा डेल्टा बी ओवर पी वाई ओके डेल्टा बी क्या है चेंज इन द देट और वो किसके इक्वल है बजट डेफिसिट के इक्वल है तो बजट डेफिसिट डिवाइड बाई द नामिनल जी डी पी सो डेफि डिवाइड बाई नामिनल जी डी पी एंड माइनस क्या है डेल्टा पी ओवर डेल्टा पी वाई ओवर पी वाई वट इज़ दिस दिस इज द ग्रोथ रेट ऑफ नामिनल जी डी पी पी वाई इज द नॉमिनल जी डी पी तो दिस रेशो इज द ग्रोथ रेट ऑफ नामिनल जी डी पी और ये सेकेंड टर्म इसमें क्या है बी ओवर पी वाई B इज द टोटल जो आउटस्टैंडिंग डेट है ये डेट जी डी पी रेशो है तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो डेट जी डी पी रेशो में जो इजाफा होगा उसमें दो तरह से इजाफा हो सकता है पहला ये कि अगर डेफिसिट जो है यानी इन रिलेशन टू ऑबियसली हम बात करें जी डी पी एट द परसेंटेज ऑफ जी डी पी अगर आपका बजट डेफिसिट में इजाफा हो जाता है तो दिस विल कास्ट एन इंक्रीज इन डेट जी डी पी रेशो और सेकेंड ये है कि इफ़ द ग्रोथ रेट ऑफ जी डी पी इज इज़ स्लो तो दिस विल आल्सो कास्ट एन इंक्रीज इन द डेट जी डी पी रेशो सो आज हमने समझा कि किस तरह से बजट डेफिसिट को हम नेशनल डेट के साथ उसका इंपैक्ट उस पर क्या होता है तो बजट डेफिसिट जब बढ़ेगा एज ए रेशो एज ए परसेंटेज जी अगर उसमें इजाफा हो जाएगा तो वो डेट जी डी रेशियो में इजाफे का सबब बनेगा और अगर आपका ग्रोथ रेट ऑफ जी डी कम हो जाएगा तो दिस विल आल्सो काज एन इंक्रीज इन द डेट जी डी रेशियो ओके थैंक यू